ये है माइक, इसी क्वालिटी काफी अच्छी दिख रही है। कैश कैश चलेगा ना? वो लिंक आया था मैसेज वाला ऑनलाइन पे करने के, लेकिन ऑनलाइन हम ऑनलाइन है नहीं, इसी वजह से ये लिंक। हाँ भाई, 22। अस्सलामु अलैकुम। ये वीडियो आज जो मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली माइक के ऊपर है। माइक जो है वो कोई भी वीडियोग्राफी का काम हो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माइक ही होता है। ख़ास तौर पे अगर आप यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रहे हैं तो माइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यूट्यूब भी यही रिकमेंड करता है कि वीडियो की क्वालिटी अगर कुछ डाउन है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ऑडियो की क्वालिटी वो जो है अच्छी ही होनी चाहिए हर हाल में। क्योंकि वीडियो की क्वालिटी अगर आप कुछ डाउन बना रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कैमरा नहीं है, स्मार्टफोन है, जैसे मैं भी स्मार्टफोन ही पे बना रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ऑडियो ख़राब होगी तो लोगों के कानों में तकलीफ़ होने लगेगी और लोग जो है नहीं पसंद करते हैं उसको, सर दर्द देने लगता है। तो ऑडियो की क्वालिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देन वीडियो की क्वालिटी। अगर आप पहले ऑडियो की क्वालिटी सुधार लिए अपनी, फिर उसके बाद आप जो है वीडियो की क्वालिटी ठीक करिए। वो माइक मंगवा लिया, बोया MM1+, मीडियम रेंज का माइक होता है, स्टार्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा माइक है ये। और उसके बाद फिर रोड है और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो अच्छे माइक बनाती हैं। फिलहाल बिगनर के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। रोड का एक 5,000 रुपीज़ का माइक आता है, उसके रेट में ये 2,000 रुपीज़ में वही क्वालिटी दे देता है। इस वजह से मैंने फ़िलहाल इसको ट्राई करना सही समझा तो मैं इसका ऑर्डर दिया हूँ। बोया MM1+ मेरा आ चुका है अमेज़न से। आइए देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। बोया MM1+ के बॉक्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 चीज़ें हैं, जिसमें कुछ पेपर वर्क्स हैं और ये पाउच माइक कहीं रख के ले आने या ले जाने के लिए। ये माउंट है माइक का, इस पे माइक लगाया जाएगा। ये काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा है। इससे ये होता है कि शॉक की वजह से जो नॉइस आ जाती है ऑडियो में, उससे उसे ये रोकता है। ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी मुझे ये लगी। और ये है, इसे डेड कैट बोला जाता है। इसका काम ये होता है कि जो विंड नॉइस होती है, जो वीडियो में विंड नॉइस आ जाती है, उसको ये रोकने में मदद करता है। इससे विंड नॉइस रुक जाती है। ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, इसमें अंदर स्पंज डला है, ऊपर से ये हेयर लगे हुए हैं जिससे ये विंड को जो है रिकॉर्ड होने से रोकेगा। और ये है माइक, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है। मेटल का है और इधर इसमें दो पोर्ट दिए गए हैं, एक ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए और दूसरा है ये हेडफोन लगाने के लिए, जिससे आप मेज़र कर सकते हैं कि आपकी ऑडियो कैसी रिकॉर्ड हो रही है। ये है बोया की बैजिंग और इसके साथ में ये दो केबल दिए गए हैं, एक कैमरे के लिए है, दिस वन ये कैमरे के लिए है, और ये जो है ये स्मार्टफोन के लिए। मुझे बेसिकली फ़िलहाल तो स्मार्टफोन ही यूज़ करना है, तो ये मेरे काम की है, फ़िलहाल इसका यूज़ नहीं है। जब कैमरा लिया जाएगा इंशाल्लाह, दुआ करते रहिए। फिर
फिर उसके बाद इसका भी यूज हो जाएगा। तो ये इतना सामान था इसमें, और ये कुछ वारंटी कार्ड वगैरह हैं, और ये इसमें इनकी बुकलेट है, इसमें सारी चीजें दी हुई हैं किस तरह से यूज करना है इसे। तो ये था बोया MM1+ का बॉक्स। अब देखते हैं क्या क्वालिटी है ऑडियो की इसकी, आइए चेक। अगली आवाज जो होगी वो होगी बोया MM1+ की। हेलो, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ये है बोया MM1+ की आवाज। तो ये है ऑडियो क्वालिटी बोया MM1+ की। अगर मैं आपको सुनाऊं बगैर माइक के तो वो कुछ इस तरह होगी। हेलो, अस्सलामुअलैकुम, ये है स्मार्टफोन की माइक की आवाज। तो ये है डिफरेंस माइक में और स्मार्टफोन में। अभी मैं माइक लगा लेता हूँ, फैन ऑन कर लूँ। फैन ऑन करके देखते हैं कैसी है क्वालिटी, फैन के बाद क्या नॉइस आती है जो है हवा की इसमें। अभी फ़िलहाल फ़ैन चल रहा है, तो ये है क्वालिटी इस माइक की। अगर फ़ैन वगैरह में रिकॉर्ड किया जाए तो इस क्वालिटी की आवाज़ दे देगा। वैसे फ़ैन में तो रिकॉर्ड करना सही नहीं होता है, फ़ैन में तो थोड़ा बहुत तो नॉइस आ ही जाती है। तो माइक भी हो तब भी फ़ैन तो बंद ही कर लेना चाहिए रिकॉर्डिंग के वक्त। और स्मार्टफोन का देख लेते हैं फ़ैन चलते वक्त माइक कैसा रिकॉर्ड करता है ऑडियो। इसको निकालते हैं ज़रा। तो ये है ऑडियो स्मार्टफोन के माइक की जब फ़ैन चल रहा है, तो अंदाज़ा आप लोग को लग गया होगा क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में, काफ़ी फ़र्क है। हाँ, तो ये है डिफरेंस माइक में और स्मार्टफोन के ऑडियो में। और अब इंशाल्लाह आप लोग को इस क्वालिटी की ऑडियो मिला करेगी। और मैंने इसके लिए ये ऑडियो क्वालिटी 2000 रुपये की है, और वो फ्री वाली थी, तो वो मतलब स्मार्टफोन के साथ जो माइक था उसकी है, और ये मैंने अलग से लगा लिया है। तो इंशाल्लाह अब बहुत सुधार हो जाएगा वीडियो ऑडियो क्वालिटी में, ख़ासतौर पे जहाँ पे हवा वगैरह चलती है वो डेड कैट होती है, वो संभाल लेती है थोड़ा बहुत, वो खड़ 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 जो आवाज़ें होती हैं वो सब से छुटकारा मिलने वाला है। तो फिर अब आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर किसी को ज़रूरत हो इस माइक की तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उसे आप जाके बाय कर सकते हैं अमेज़न से। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।